मोदी के तीसरे कार्यकाल से डरा पाकिस्तान। पाकिस्तानी अधिकारी ने खुद बताया अपना सच। पाकिस्तान मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से डरा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि मुसलमानों ने एकजुट होकर बीजेपी को वोट नहीं किया। बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व के राह पर जा सकती है। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अभी तक पाकिस्तान सरकार की तरफ से इस चुनाव परिणाम को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ शहबाज सरकार बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज को बधाई दी थी। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान सरकार का आकलन है कि गठबंधन की सरकार बनने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के रास्ते पर आक्रामक हो सकती है। पाकिस्तान का यह भी आकलन है कि विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भारत का रुख इस्लामाबाद को लेकर नहीं बदलेगा। पाकिस्तान सरकार के एक अधिकारी ने ट्रिब्यून अखबार को बताया कि सरकार का आंतरिक आकलन है कि भारत में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी पाकिस्तान के प्रति कोई बदलाव नहीं आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे भारत की राजनीति में इस बार मोदी की धर्म आधारित राजनीति के ऊपर आ गए थे। पाकिस्तान की सरकार ने आंतरिक आकलन में कहा है कि बीजेपी ने अपनी पारंपरिक सीटें हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों ने चतुराई से बीजेपी को मात देने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा पूरे देश में मुस्लिम मतदाता मोदी के खिलाफ एकजुट हुए। पाकिस्तान को सता रहा इस बात का डर। पाकिस्तान ने कहा कि इस चुनाव के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी अब बीजेपी और आरएसएस से बड़े नहीं रहे। भारत में एक बार फिर गठबंधन की सरकार का दौर आ गया है। बीजेपी को इस बार बहुत कम अंतर से जीत मिली है। पाकिस्तान का अनुमान है कि मोदी या तो अपना रास्ता बदलेंगे या आक्रामक रुख अपना सकते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा, भारत में एक मजबूत विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व के रास्ते पर जाने के लिए बाध्य कर सकता है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में घरेलू और विदेशी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि भारत चाहता है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को पाकिस्तान मान ले। ऐसे में मोदी सरकार कोई बातचीत करेगी, इसकी संभावना ना के बराबर है।